नमस्कार, आप लोग का वाचिंग पॉइंट सतानंद के स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम चाय पर चर्चा करेंगे। यहाँ आपने सही सुना, आज हमारे देश में चाय घर घर में प्रचलित है। तो आइए आज हम चाय पे चर्चा करें। आज हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि 18वीं शताब्दी अर्थात आज से 200 वर्ष पहले हम लोग चाय से अनभिज्ञ थे। हमारे यहाँ चाय का उत्पादन 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। दरअसल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकारियों के लिए दार्जिलिंग को हिल स्टेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया, ताकि उनके पदाधिकारी, उनके कर्मचारी वहां आकर के पिकनिक मनाए और छुट्टी बिता सके। उस समय दार्जिलिंग में कुछ नहीं था। आबादी के नाम पर 1000-2000 की संख्या में वहां की जनसंख्या 1000-2000 मात्र थी। इसी क्रम में ब्रिटिश चिकित्सा पदाधिकारी एक रिटायर्ड सिविल सर्जन थे, उनका नाम था डॉक्टर आर्चिबाल्ड कैंपेल। उनका दार्जिलिंग आगमन हुआ। उन्होंने वहां की आबोहवा को देखा और महसूस किया कि यहाँ पे चाय के उत्पादन हो सकता है। तो उन्होंने 1841 ईस्वी में प्रायोगिक तौर पर चाय की खेती प्रारंभ की और बाद में आकर के चाय दार्जिलिंग में चाय का बगान ही बगान हो गया। अभी आप देख सकते हैं, जो चाय अभी हम चाय बगान का ही आपको दिखा रहे हैं, यह सीढ़ी नुमा खेती पे किया जाता है। पानी इसको हर समय, मतलब पानी इसको चाहिए ही, पर पानी इसके जड़ में लगा नहीं रहना चाहिए। कालांतर में हमारे देश में जीआई टैग जब प्रदान किया गया, तो सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग टी को ही मिला। अभी हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा चाय का उपभोक्ता देश है और वहीं दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। तो आज हम चाय के बारे में जाने। हमारे दैनिक जीवन की शुरुआत ही चाय से होती है, इसलिए आज हमने इस टॉपिक को चुना था। फिर आगे दूसरे टॉपिक को लेकर के आपके सामने आएंगे। धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड फॉलो and share my channel. Thank you.